बेहतरीन लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज आपका स्वागत है आर्सेनिक आयोड के एक दूसरे वीडियो में। इसके पहले भी एक वीडियो है, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से आर्सेनिक आयोड जो सांस की जो समस्याएं हैं उस पर बेहतरीन तरीके से काम करता है। और नाक पे यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे पेन है, यानी साइनस का यूज समझ लीजिए। उसके बाद पूरे चेहरे का दर्द है और उसी तरीके से सांस लेने में दिक्कत है, उठने के बाद बैठकर सांस लेना पड़ता है। इस तरह से कई खास फीचर्स हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के इसके पहले वीडियो में। आज इस दूसरे वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जितनी भी ग्लैंड हैं शरीर में उस पर इसका बेहतर एक्शन है। तो देखिए, अगर इसके नाम में देखा जाए तो देखिए आर्सेनिक आयोड, यानी आर्सेनिक भी है और प्लस आयोड भी है। ये जानते हैं कि जो आयोडम है वो आयोडीन है, आयोडीन से बना है। और आयोडीन क्या है? सॉलिड है। यानी जो आयोडम फीचर्स होता है किसी भी मटेरियल को, ग्लैंड को सॉलिडिफाई करने का नेचर होता है इसका। यानी ग्लैंड में अगर सॉलिडिफिकेशन हो गया है, हार्ड हो गई, हार्डनेस आ गया है, तब आप इस आयोडम को, यानी आर्सेनिक आयोडम को यूज करेंगे। आयोडम एक सेपरेट मेडिसिन है, उसमें भी इसी तरीके के सिम्टम्स हैं कि ग्लैंड हार्ड हो जाती है, स्टोनी हार्ड ग्लैंड हो जाती हैं। तो यहां भी रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्सेनिक का फीचर्स और आयोडम ग्लैंड की हार्डनेस का फीचर्स दोनों एक साथ मिल गए हैं, इसीलिए इसको और बेहतरीन मेडिसिन बना देते हैं। तो आर्सेनिक आयोडम में जो बॉडी की जितनी भी ग्लैंड है उसमें मोर और लेस हार्डनेस आ रही है। अब यूं समझिए कि अगर हार्डनेस आ रही है यानी सॉलिड हो रहे हैं तो उनका जो काम है वो हैम्पर होगा, काम ठीक से नहीं करेंगे, और काम ठीक से अगर नहीं करेंगे तो बॉडी के लिए यूजलेस हो जाते हैं। बॉडी के वो पार्ट जो बेहतर तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो बॉडी के लिए यूजलेस हो जाते हैं। इस तरह से शरीर में दिक्कतों का अंबार खड़ा हो जाता है। तो इस मेडिसिन का यूज करके जो हार्डनेस आ रही है या फिर जो आ चुकी है उन सबको आप दूर कर सकते हैं। तो कई बेहतरीन इसके एक्शन हैं, उसमें से कुछ पांच एक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी ग्लैंड हैं, लीवर, स्प्लीन, मेजेंटिक ग्लैंड, इवन ग्लैंड ऑफ ग्रोइन। ग्रोइन क्या होता है? यूं समझ लीजिए कि जो नाभि के आसपास वाला पोर्शन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नाभि यहां पे इस तरह से, तो इसके आस वाला इस ए वाला जो पूरा पोर्शन है इसी को ग्रोइन बोलते हैं। नाभि के इस तरफ ऊपर और नीचे, यानी पेट के नीचे और जो कमर है जहां पे बेल्ट बांधते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वाला पोर्शन क्या है? ग्रोइन है। तो यहां पे जितने भी ग्लैंड है सब में इनलार्जमेंट है। पहला सिम्टम सही है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर जो राइट साइड में पसली के नीचे पाया जाता है, स्प्लीन लेफ्ट साइड पसली के नीचे, और उसके साथ साथ मेजेंटिक ग्लैंड एंड ग्लैंड ऑफ ग्रोइन। तो बॉडी के इन ग्लैंड में इनलार्जमेंट है, यही इनलार्जमेंट बाद में हार्डनेस में कन्वर्ट होता है। तो पहले बढ़ जाएंगे उसके बाद हार्ड हो जाएंगी। तो इस तरह से है पूरी ग्लैंड में। और लेफ्ट ब्रेस्ट, महिलाओं में जो लेफ्ट ब्रेस्ट है उसमें स्वेलिंग है, इनलार्जमेंट तो है ही, स्वेलिंग है, इंडोरेशन है, और सोर टू टच, यानी टच करने से दर्द तेज हो जाता है। तो लेफ्ट ब्रेस्ट इनलार्ज, इंडोरेटेड, कठोरपन भी आ गया है, और वेरी सोर, सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि कपड़े को टच करने से भी पेन होने लगता है, सोरनेस आ गई है। तो ये दूसरा करेक्टर है। तीसरा है पेन इन एब्डोमेन, पेट में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। कब? आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, जबकि इसको भयानक भूख लगी रहती है, हमेशा खाना चाहता है। यानी एक तरफ पेट में दर्द हो जाता है खाना खाने के बाद, लेकिन माइंड क्या कहता है कि और खाना खाओ, जितना ज्यादा खाना चाहता है उसी अमाउंट में उसको दर्द भी करता है। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट फीचर हैं कि पेट में दर्द हो जाता है खाने के बाद लेकिन खाना चाहता है। और ड्यूरिंग स्टूल जब पास करता है तब भी दर्द होता है, उसके बाद भी दर्द होता है, और ड्यूरिंग मेंसेस, मासिक के समय भी। इसका क्या कारण होता होगा? देखिए, जब फूड आएगा तो लीवर और मेजेंटिक ग्लैंड इन सबको काम मिलेगा, तब वहां पे दर्द हो सकता है। स्टूल जब पास होता है तब भी लिम्फेटिक सिस्टम जो बॉडी के अंदर है उसमें दिक्कत उत्पन्न होगी, तब स्टूल के समय दर्द होता है। और मेंसेस के समय तो जैसे ओवरी, टेस्टिस, इन सब में कुछ न कुछ रोल प्ले करना पड़ता है, टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल में, यूट्रस, इस तरह से जितनी भी ग्लैंड हैं बॉडी के सब पे कुछ न कुछ इसका एक्शन है, और उसमें इनलार्जमेंट और हार्डनेस उत्पन्न करना इसका फीचर्स है।
तो मेंसेस के समय भी तेज दर्द होता है, और खास बात ये जितने भी दर्द हैं उन सब में अगर एक्सटर्नल हीट अप्लाई किया जाए, बाहर से हीट अप्लाई किया जाए, तब उसको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होता है, आराम होता है। यानी जो आर्सेनिक आयोडम का पेशेंट है वो चिली पेशेंट है, इसकी दिक्कतें कम होंगी जब बाहर से उसको हीट दिया जाए ना, और ठंडी से इसकी दिक्कतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और सप्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन सप्रेस्ड है यानी पास नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी, या पूरे अमाउंट में नहीं पास हो रहा है, इसलिए फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की भी दिक्कत है इसमें। तो सप्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन इज एल्ब्यूमिनस यानी उसमें प्रोटीन जा रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रही है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जा रहा है उसमें, और क्लाउडी डार्क रेड। अब सप्रेस्ड है, कुछ टाइम रहेगा। अब समझिए कि अगर जैसे मान लीजिए ब्लैडर है, ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो रहा है इस तरह से, ये पूरा ब्लैडर, और पूरा ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, तो इसमें जो प्रोटीनियस पार्ट है, प्रोटीन तो जाएगा, तो ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो स्मेल भी आएगी, कलर भी चेंज होगा। तो मैं देखिए लिखा है यूरिन इज एल्ब्यूमिनस, प्रोटीन वाला यूरिन पास होगा, थोड़ा थोड़ा पास होगा थोड़ी थोड़ी देर पर, और क्लाउडी डार्क रेड यानी धुंधला सा यूरिन पास होगा, और उसके साथ साथ थोड़ी मात्रा में और स्मेल भी आएगी, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा देर तक स्टोर रहता है तो डिकम्पोज रहता है, डिकम्पोज होने लगता है। और कांस्टेंट और फ्रिक्वेंट अर्जिंग यूरिनेट, लगातार थोड़ी थोड़ी देर पर इसको पेशाब लगती रहती है, और उसके साथ साथ रात को दिक्कत इसकी बढ़ जाती है, रात में दिक्कत का बढ़ जाना, थोड़ी थोड़ी देर पर पेशाब आना, पेशाब में ढेर सारी स्मेल बदबू, उसके साथ साथ जो कलर है उसका क्लाउडी रेड यानी धुंधला कलर का है, उसमें रेडनेस कुछ फीचर्स हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं आर्सेनिक आयोडम के। दो फार्म में आती है, 3x पावर अगर लेते हैं तो टेबलेट के फार्म में आता है, और 30 पावर की लेते हैं तो लिक्विड फार्म में आता है। अगर आप 3x टेबलेट यूज करें तो 4 टेबलेट थोड़े से पानी में, 1/4 कप पानी में, गर्म पानी में घोल के, या फिर डायरेक्ट जीप पर भी दे सकते हैं, तो 4 टेबलेट जीप पर 3 टाइम लें। और अगर आप 30 पावर यूज करते हैं तो इसकी 4 बूंद सुबह जीप पर 1 टाइम लें। तो इस तरह से बॉडी में जितनी भी ग्लैंड हैं उनका जो हार्डनेस आ रहा है वो ठीक होगा, और रेस्पिरेशन से संबंधित कोई दिक्कत है जो कि पहले वीडियो में बताए गए उन सब से भी आराम मिलेगा। तो पूरी जानकारी हो इसके लिए आपको दोनों वीडियो देखना जरूरी होगा, देख लें, इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना कम करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।